भैया अरे फॉर्मूला वो होते हैं जो मल्टीपल सेल पे एक साथ ही काम करते हैं। आमतौर पे इसमें क्या होता है, सेल होता है जो कि एक ही रिकॉर्ड कंटेन करता है। नॉर्मली अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं जैसे सम का या जो भी है, तो ये एक ही सेल में रिजल्ट देते हैं। अगर आपको मल्टीपल सेल्स में रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए एरे फार्मूला होता है। ठीक है जी, एरे फार्मूला हमारे आसपास मौजूद रहता है हर जगह, बट उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेंज है यहाँ पे, अब मैंने सम कर दिया इसको, इसको सम कर दिया मैंने, तो ये रेंज है। अगर इसको मैं F9 करके कैलकुलेट करके देखता हूँ तो इसमें कुछ रेंज इस तरह से आ जाती है। अब इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसी जगह पे अगर देखते थे, अगर मैं इसको ऐसे रेंज सिलेक्ट करता हूँ, पहले इसमें कुछ डाल देता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रेंज सिलेक्ट किया मैंने, अब इसको मैं F9 कर देता हूँ। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि जैसे देखिए, पहली चीज स्टार्टिंग इसकी हो रही है कर्ली ब्रेसेस से, या फिर इस फॉर्मूले को भी हटा दूं, अगर रेंज को सॉर्ट करता हूं खाली, तो हमें यह मिलता है। ठीक है जी, अब इसमें आ रहा है 12, ठीक है जी, 12 यहाँ, ठीक है, कॉमा 10। तो कॉमा किसके लिए सेपरेटर हुआ, अपना दूसरे कॉलम के लिए। एक कॉलम से दूसरे कॉलम की वैल्यू है तो वो कॉमा से सेपरेट की जाती है। अब 10 के बाद यहाँ पे आ रहा है 23, सेमी कॉलन, यानी कि सेमी कॉलन होता है हमारा रोज के लिए। ठीक है जी, तो कॉमा अपना कॉलम के लिए चाहिए होता है और सेमी कॉलन रोज को इधर रिप्रेजेंट करता है। उसी के बाद जैसे 23 के बाद कॉमा आया, कॉलम एक आगे बढ़े, 45 के बाद सेमी कॉलन लग गया तो फिर नीचे उतर आया। ठीक है जी, तो इस तरह से ये डिनोट करता है। अब यही वैल्यू हमें वापस चाहिए फॉर्मूले के थ्रू, तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये पहली वाली वैल्यू मुझे रिटर्न कर रहा है, बट यहाँ पे हम जानते हैं कि 3-6 वैल्यू है टोटल और इस फॉर्मेट में। तो मैं F2 करके जब इस पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारता हूँ, एरे फॉर्मूला तभी अप्लाई होते हैं जब कंट्रोल शिफ्ट एंटर इनके साथ दबाया जाए। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर जब मैंने किया तो यही वैल्यूज मेरी उस फॉर्मेट में आ गई जो कि इसमें रेफर्ड थी। अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू बदलता भी हूँ, अभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये इससे लिंक देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो फॉर्मूला में है, हम कॉमा से जो है कॉलम सेपरेट करते हैं और सेमी कॉलम से रो सेपरेट करते हैं। ठीक है जी, तो अब इसमें देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। मान लीजिए मिड का फंक्शन हम यूज करते हैं कई बार, जैसे नाम लिखे और इसमें से जब मुझे एक एक करेक्टर यहां पे लिखता हूं तो मिड का फंक्शन लगाऊंगा मैं, टेक्स्ट इस वाले टेक्स्ट में से स्टार्टिंग नंबर 1, फिर करेक्टर निकालना है मुझे अपने से। ठीक है जी, उनसे मैंने ले लिया, पहला करेक्टर ले लिया, इसको आगे तक कर लेता हूं मैं। ठीक है जी, और जहां मेरा इंडेक्स नंबर आ रहा था स्टार्टिंग नंबर, इसको बदलता जा रहा हूं, यहाँ पे 2 कर दिया। जहां पे मैंने यहाँ पे 3 कर दिया स्टार्टिंग नंबर। तो इसी तरह से मुझे हर एक में क्या करना है, फॉर्मूला में सेम लगा रहा हूं पर खाली एक नंबर ही बदल रहा हूं। ठीक है, एक नंबर ही बदल रहा हूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, करेक्टर बार 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 से इसमें से एक नंबर बदला, बाकी फॉर्मूला सेम था। अब मैं यही चीज जो है, जैसा कि मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया कि एक ही फॉर्मूला लगा के कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा दिया, तो मैं ऐसा इसमें भी कर सकता हूँ।
बशर्ते मैं वैल्यू वैसे दूं, तो मैं इसमें सात वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके अंदर यहाँ जो स्टार्ट नम दे रहा हूँ यहाँ पे मैं दे दूंगा रेंज। ये मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ में जनरेट कर सकता है एक ही कॉलम में, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक कॉमा, क्योंकि हमें कॉलम में सेपरेट करना है। तो तीन कॉमा चार कॉमा पांच ठीक है, सारी वैल्यू सिलेक्ट। अभी अगर एंटर मार के बाहर आता हूं तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे क्या करना पड़ेगा, यह सिलेक्शन लेके F2 दबा के कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब यहां इसमें क्या था कि सात के आगे कुछ नहीं था, इसलिए यहां पे हैश एने की एरर दिखा दी उसकी, क्योंकि मिड का फॉर्मूला जब कुछ नहीं है तो मतलब जीरो में तो कुछ देगा ही नहीं, ठीक है जी। तो ये एरे का कॉन्सेप्ट होता है, और अगर आप इनमें से किसी को डिलीट भी करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि एरे आपका एक सेल पे नहीं लगा हुआ, ये जिस सेल पे अप्लाई हुआ है पूरे पे, इसके साथ पूरा सिलेक्ट करके ही इसको डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ही फार्मूला है। आप बीच में से कोई पार्ट उड़ाना चाहें तो नहीं उड़ा सकते, ये एक साथ अप्लाई होता है, ठीक है जी। अब देखिए तो जैसा कि मैंने दिखाया इसमें हमने जो है ऐसे यूज कर लिए। दूसरी चीज हम ये एक और चीज से भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे होता है कॉलम का फंक्शन और रो का फंक्शन, ठीक है जी। कॉलम का फंक्शन लेते हैं और उसमें क्या है रेफरेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक से चार इस तरह से ले लेता हूँ, इसका मतलब होता है रो। वन कॉलम फोर लिखते हैं या फिर हम ए से ए लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया कॉलम, और वन करके मैंने फोर दिया तो चार रो सिलेक्टेड हो गई, वन से फोर, ये फोर यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी यूज कर सकते हैं जब हमें एक ही सीरीज में नंबर जनरेट कराने हैं। आपको याद होगा कि मैंने एक फॉर्मूला लिया था और जिसमें रो 1 to 60 जनरेट कराया था फाइनेंशियल फॉर्मूला में, ठीक है जी, 1 से 60 तक। तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, 1 से 4 तक यहाँ पे जनरेट कर देगा। मैं इसमें कॉलम का फॉर्मूला लगाता हूँ, जब मुझे कॉलम से वैल्यू निकलवानी है, उस केस में क्या था कि रो में वैल्यू, तो रो का फॉर्मूला लगा, ठीक है जी। अब जैसे मैं सात कैरेक्टर निकलवाने हैं तो मिड टेक्स्ट चूज किया और यहाँ पे रो, एक से सात, ठीक है जी। कॉलम और एक करेक्टर ही निकालना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी। इसने भी वही काम किया। अब इनका अगर आप चाहें तो इवेल्युएशन देख सकते हैं, क्योंकि अगर वैसे करूंगा तो दिखाएगा नहीं। इवेल्युएट, अब ये देखिए कॉलम जो है अभी यहां पे वन दे दिया, पहली वाली को इवेल्युएट कर रहे थे तो वहां वन दे दिया, ठीक है जी। दूसरी वाली में अगर इवेल्युएट करेंगे तो यहां पे वन दे, उसको जानने के लिए हमें इसमें से निकालना होगा फॉर्मूले को, किसी रेंज वाले मेथड में मैं सप्लाई कर देता हूँ, तभी हम इसका इम्पैक्ट देख पाएंगे जो रेंज एक्सेप्ट करता हो। सम एक रेंज एक्सेप्ट करता है, क्योंकि मिड पे आके कैलकुलेशन पूरी हो जा रही है, बल्कि इसका रिजल्ट जब दिखाएगा जब ये मिड कैलकुलेट कर चुका होगा, इसलिए जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ नहीं दिखा रहा, क्योंकि हर एक सेल पे अलग होता है।
ये रेंज एक्सेप्ट कर सकता है, तो रेंज को समझने के लिए मैं वैल्यूएट। अब ये देखिए इसमें इतने सारे इसने जनरेट कर दिए, ज्यादा जनरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब मैं ब्लैंक ले लिया क्योंकि बाकी आगे कुछ है ही। ठीक है जी, तो इसको इस तरह से यूज किया जाता है। अब देखिए इसको हम और कहां कहां यूज कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट का फंक्शन था हमारे पास, उसमें क्या कर रहे थे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, पहले इनको मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पे सम, ये सम प्रोडक्ट हो गया हमारा, जैसे रेट क्वांटिटी अमाउंट के तो यहाँ पे हमने ग्रैंड टोटल निकालने के लिए क्या हुआ, हर एक में सेल अपने पास वाले सेल से मल्टीप्लाई होती गई पहले, फिर उनका टोटल हो गया। ठीक है, अब यही चीज करनी है। और हमारे पास मान लीजिए सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला ना होता, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो ये काम करता ही है कि आप एरे दे दो, ये एरे हैंडल कर सकता है। ठीक है जी, और ये मल्टीप्लाई करके करता है तो आंसर सेम आएगा। मान लीजिए सम प्रोडक्ट का फंक्शन ना होता तो कैसे करते, तो हम ये सम का फॉर्मूला यूज करते और इसमें क्या करते, ये रेंज यूज कर ली और ये रेंज यूज कर ली। सम रेंज हैंडल कर सकता है बट एक एक में जब मल्टीप्लाई करने की बात है, ऑपरेशन करवाने की बात है, तो नहीं करेगा। ठीक है, एंटर मारूंगा तो एरर दिखाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूंगा तो सही दिखाएगा। कैसे दिखाएगा देखिए, वैल्यूएट में क्या हुआ, हर एक पहले रेंज खुली। ठीक है जी, ये रेंज ओपन हो गई और यही आपका सम आ रहा है, मतलब हर एक रेंज आपस में मल्टीप्लाई होती चली गई, लास्ट में सम हो गया। ठीक है जी, इसी तरह से मान लीजिए कोई रेंज है, अब इनमें से हमें निकालना है, यहां तक में से हमें निकालना है टॉप फाइव वैल्यूज का सब निकालना है। टॉप फाइव का सब निकालना है, इसमें से क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लार्ज का फॉर्मूला यूज करते हैं, एरे लेते हैं और फिर उसमें के वैल्यू दे देते हैं, ये होती है कि फर्स्ट लार्जेस्ट चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट चाहिए, थर्ड लार्जेस्ट चाहिए, तो ये टॉप फाइव आ गई और इसका सम हो गया। टॉप फाइव का सम मुझे एक ही इसमें निकालना है क्योंकि इसका आप तो फॉर्मूला है नहीं, तो एक ही सेल में निकालना है तो कैसे करेंगे, मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा और मुझे ये पांच वैल्यूज जनरेट की भी चाहिए, तो कैसे मिलेगी, लार्ज, लार्ज का फॉर्मूला मैंने यहां दे दिया, एरे तो सेम ही रहेगा कोई फर्क नहीं, बट ये जो के है जो सिंगल पोजीशन ले रहा है इसमें मैं मल्टीपल वैल्यू सप्लाई कर देता हूँ, वही कर्ली ब्रेसेस पे 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रेसेस को ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, इवैल्यूएट करके देखेंगे इसको क्या किया है, इसको इवैल्यूएट में आप देखेंगे लार्ज में जो ये 1 2 3 4 किया है मैंने, ये अलग अलग यही वैल्यूज निकल आएंगे। ठीक है जी, मल्टीपल फॉर्मूले फिट करके उसने मल्टीपल वैल्यूज को फिट करके उसने लार्ज के थ्रू ये रिजल्ट एक रेंज में ले लिया। देखिए यहाँ पे कॉमा आ रहा है,
मतलब डिफरेंट रोज, और लास्ट में सम ने एक रेंज की फॉर्म में है तो इसको सम कर दिया। देन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा फंक्शन जो है अपने आप को एक्सटेंड करें। जैसे यहाँ पे है, सात नाम नहीं हुए, किसी ने 20 डाल दिए, तो उसमें वैल्यूज अपने आप आनी चाहिए। वैसे तो मैं वैसे भी देख सकता हूँ, अगर मैं 8 वैल्यू दे देता है यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको पहले से ही करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा भी देते हैं तो कोई एरर नहीं देता, तो मैक्सिमम या तो पहले दे सकते हैं, और डायनेमिकली बनवाना चाहें, डायनेमिकली अगर इस चीज को बनवाना चाहें तो हम इनडायरेक्ट का फंक्शन एड्रेस फॉर्म करता है उसको तो यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टार्ट नंबर में ही सारा खेल होना है। पहले मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर दे देता हूँ, और जो स्टार्ट नंबर में क्या करता हूँ, रो का फंक्शन हमने पहले भी लगाया था। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि 6 है 7 है, तो इसमें एक से लेकर तो है ही, दूसरा लेन इसकी लेंथ बता देगा, तो इनडायरेक्ट का फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे जो कि इसको ज्वाइंट करके एड्रेस बना देगा। इनडायरेक्ट का ले लिया और इसको मैंने लिख दिया टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के अंदर कर दिया एंड कंकेटिनेट कर दिया लेंथ को। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट, गड़बड़ हो गई, कॉलम कॉलम का यूज कर रहे हो सामने रो का। रो के केस में क्या है कि अगर आप कॉलम में कर रहे हैं तो रो जनरेट नहीं कराएगा, क्योंकि तो रो तो वो सेम ही है। ठीक है, इसलिए कॉलम यूज करना पड़ेगा। रो किस केस में आएगा, जब हमें वैल्यू ऐसे जनरेट करानी है, तब आएगा। मिड टेक्स्ट, अब यहां पे रो दे दे सकते हैं हम, 1 से 7 दे दिया और एक कैरेक्टर चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट अब दे गए। अगर मैं इसी को ऐसे करूं तो सिंगल कैरेक्टर में चलेगा, पहले वाले को ही। कॉलम रो के लिए ये अलग अलग दिख सकते हैं, रो और कॉलम। ठीक है, कॉलम में जनरेट कराना है कॉलम, रो में जनरेट करना है रो, कितनी लेंथ तक जनरेट कराना है 1 कॉलम करके वो लेंथ। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम वी लुकअप में भी यूज करते हैं कई बार। अब वी लुकअप में क्या करना होता है, हमें मान लीजिए आईडी, नेम, सिटी, सेल्स, मान लीजिए हमारा डेटा हमें यही जनरेट कराना होता है, कब का बार बार पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वी लुकअप को मैं क्या करूंगा, पहले सिक्योर करके लॉक करके करूंगा कि मतलब टेबल एरे लॉक कॉलम इंडेक्स में ये चीज करूंगा मैं। कॉलम इंडेक्स में आप जैसे मेरे 1 से शुरुआत नहीं है, मेरी शुरुआत है 2 और 3 और 4,
मुझे कॉलम इंडेक्स 2, 3, 4 की वैल्यू चाहिए। अब इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे F2 दबा के कंट्रोल कर लूंगा तो ये अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम फॉर्म। बार बार मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं और थोड़ा सा सिक्योर भी है ये, क्योंकि मैं बीच में से अगर डिलीट करना चाहूँ तो वैल्यू डिलीट सिंगल फॉर्मूला में। आगे देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ये वैल्यू है, अब इनमें मुझे एवरेज निकालना है। कुछ वैल्यूज इसमें माइनस में है और निकालना है मुझे, पर एवरेज ऐसे नहीं निकालना। कैसे करना है, एब्सोल्यूट करना है पहले वैल्यूज को, मतलब माइनस वाली भी प्लस में ही आके तब एवरेज निकालना। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज करता हूँ देन एवरेज यूज करता हूँ। ये रिजल्ट चाहिए, मैंने दो फॉर्मूले यूज किया एब्सोल्यूट और एवरेज का। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, एवरेज का फंक्शन लिखा मैंने, एडीएस का फंक्शन लगाया था। एडीएस का फंक्शन सिंगल नंबर एक्सेप्ट करता है। अब सिंगल नंबर को मुझे रेंज लेने लायक बनाना है, तो जब मुझे मल्टीपल वैल्यूज के साथ वर्क करना है तो मेरा लगेगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे एबीएस के साथ क्या हुआ। यहाँ पे जैसे ही सारी वैल्यूज एबीएस ने प्लस में कन्वर्ट कर दी और एवरेज को रेंज दी, एवरेज निकल गया। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं। अभी तो मैंने फॉर्मूला के अंदर को यूज करके दिखाया कि एक से दो फॉर्मूला के अंदर सिंगल जो वैल्यू लेते हैं वो मल्टीपल वैल्यूज के साथ कैसे वर्क करते हैं। अब एरेज का यूज कंडीशन के लिए भी किया जा सकता है, किसी वैल्यू में कंडीशन, जैसे हम सम इफ लगाते हैं, मान लीजिए सम इफ का फंक्शन ना होता तो। अब जैसे मुझे इसमें से लेनी है जो वैल्यू, ग्रेटर देन 50 है, पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वैल्यू कौन सी ग्रेटर देन 50 है। ग्रेटर देन 50 के आगे ट्रू आ गया, तो मैं इफ की कंडीशन के अंदर ही लगाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो वैसे कोई वे नहीं है कि खाली सम करके कर दूं, तो इसको इफ की कंडीशन के अंदर लगाऊंगा। इफ अगर ये ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा दे, D2 अदरवाइज 0। ठीक है, 0 नहीं होगा तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो एरर शो करेगा। या तो ये किया मैंने, ग्रेटर देन 50 वाली आ गए। अब क्या करना है, मैंने सम करना है सिंपल। ठीक है, मुझे करना है एक ही बार में, इसलिए क्या करूंगा, तो आपने देखा ये इफ का फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूले को मैंने मल्टीपल के साथ लोड करना है। बेशक से इसको फॉर्मूले को कॉपी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सम के अंदर डाल देता हूँ और ये इफ की पूरी कंडीशन यहाँ लगा देता हूँ। बट एक चेंज करूंगा, यहाँ जो मैंने जिस कंडीशन को जो रेंज चेक करा रहा हूँ वहां पे मैंने क्या दे देना, फुल रेंज दे देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद ट्रू के केस में जो आ रही है वो भी मुझे फुल रेंज देंगे। फॉल्स के केस में मैं इसे 0 रहने दूंगा। ठीक है जी, अब इसका फॉर्मूला भी क्या करता है कि सिंगल सिंगल वैल्यू को ट्रैक करता है, बट जब इसे मैंने इसमें बदल दिया, एरे में बदल दिया, एक रेंज दे दी जो हैंडल नहीं कर पाता मल्टीपल का, कंट्रोल शिफ्ट एंटर लगाइए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या, इसमें भी आपको यही जनरेशन मिलेगी।
जब आप फॉर्मूले में देखेंगे, वैल्यूएट करूंगा तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स हुआ, पहले इसके अंदर ही चल रहा है, अभी खत्म नहीं है, फिर इसने रेंज बना दी है। तो इस तरह से मैंने इसके थ्रू कंडीशन भी कोई भी लगा सकता हूं इसके अंदर। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एवरेज भी हमें इसी तरह से निकाल सकते हैं। और मान लीजिए कि कुछ रेंज है, मान लीजिए इन्हीं को मैं डिवाइड कर देता हूँ जीरो के साथ, या इसके साथ डिवाइड कर देता हूँ, फिर यहाँ पे सम लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को सम नहीं दिखा रहा है, बाई चांस मेरी वैल्यू, ये फॉर्मूला नहीं लगा, कोई और फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है और अगली जो वैल्यू है मुझे डिवाइड करके लेनी है और लास्ट में उसको सम चाहिए। तो अगर मान लीजिए फॉर्मूला अगर वैल्यू नहीं ला रहा है या जीरो ला रहा है, तो डिवाइड बाय जीरो एक एरर बन जाती है, और एरर के केस में फिर अपना सम का फॉर्मूला चलता नहीं है। पर तब भी मुझे चाहिए सम, तो कैसे करूंगा? इफ एरर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हाँ, इसमें मैं इफ एरर का फॉर्मूला यूज करूंगा, किसके अंदर? सम के अंदर। सम के अंदर, सम के अंदर मैंने ये ले लिया। इफ एरर के अंदर मैंने कहा कि इफ एरर फुल रेंज ले लिया, ठीक है। ये भी सिंगल वैल्यू लेता है, पर यहाँ मल्टीपल वैल्यू ले रहे हैं, और अगर एरर आती है तो क्या करना है? जीरो करना है, प्लस में जीरो दे सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अब चल गया, काम हो गया, ठीक है जी। अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला दिखाता हूं, जो कि आपके मतलब मोस्टली आपके बहुत काम आता है। यहाँ एक लिस्ट इधर है आपकी और एक लिस्ट यहाँ पे, और एक इसमें वो दे सकते हैं जो कि इसमें अब मुझे ये मैच कराना है कि कौन सा इस लिस्ट इसमें से कौन सा इस लिस्ट में है, ठीक है। चेक कराना होता है कई बार, हमें एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट की मैचिंग करनी होती है। तो इस केस में जब हमें खाली पता ही करना है कि कौन सा मैं, बहुत से लोग इसके लिए वी लुकअप यूज करते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूला यूज करते हैं, पर आप एक और के फॉर्मूले के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। पहली वैल्यू मैंने ये ले ली, और चेकिंग किससे करानी है? इस लिस्ट से करानी है। यहाँ पे कॉमा नहीं, इक्वल टू कंडीशन लेता है ना, क्योंकि कंडीशन एक ही के साथ होती है, मैंने क्या किया पूरी रेंज के साथ देखो। ये फॉर्मूला एक ही उसमें काम करेगा, ये इक्वल टू ये देखो। तो पहली मैं वैल्यू चेक कर रहा हूं, पूरी लिस्ट में मल्टीपल वो करनी है, और का फॉर्मूला क्यों यूज किया मैंने, एंड क्यों नहीं किया? क्योंकि अब जब इस रेंज की सारी वैल्यू इस सेल से मैच करती तो ही वो ट्रू देता, पर और का कोई भी एक मैच करने पे ट्रू दे देता है, ठीक है जी। मान लीजिए मैं ढेर सारी कंडीशन लगाऊं, तो उस केस में और का ही फॉर्मूला चलता है कि और अगर मल्टीपल एवेल्युएशन करे और एक मैच हो जाए तो वो ट्रू दे देता है, क्योंकि और भी यहाँ पे मल्टीपल एवेल्युएशन करने वाला। कंट्रोल शिफ्ट एंटर जैसे दबाया मैंने, ये है यहाँ, ठीक है, तो ड्रैग कर दिया इस फॉर्मूले को, तो मुझे पता पड़ रहा है जो जो नहीं है वो फॉल्स। बहुत छोटा सा फॉर्मूला, सिर्फ लिस्ट मैचिंग के लिए।
अब क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सम इफ का हम जैसे इफ का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ तो सिंगल कंडीशन थी, अब मल्टीपल कंडीशन को टैकल करना है, मल्टीपल कंडीशन में दिक्कत होगी इसमें। जैसे इसमें से मुझे चाहिए संधि का टोटल, जो दूसरा तरीका है, टोटल टोटल नहीं चाहिए, मुझे काउंट कराने हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड उठवाने हैं कितनी वैल्यू है। तो सम का खाली काउंटिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा तो डाटा को अलग ले लेंगे। तो मुझे वो सम करना है जहां पे संदीप, काउंट करना है, सम नहीं करना, काउंट करना है कि कितने रिकॉर्ड ऐसे हैं संदीप वाले, कितने रिकॉर्ड। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि ये कर लिया मैंने फुल रेंज, अब ये क्या करेगा, ये रेंज इक्वल टू, अगर मैं वैसे इक्वल टू करता तो क्या आता, वन या जीरो में रिजल्ट देता, ठीक है जी। तो वन जीरो जो भी देगा देने दो, लास्ट में क्या करेगा, जहां ट्रू होगा उसको वन ट्रीट करके उसको सम कर देगा। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जहां तक इफ लगेगा, नहीं इफ नहीं लगेगा, प्रॉब्लम क्या है कि वो जो भी ट्रू फॉल्स में दे रहा है ना, तो सम ए नाम का तो कोई फंक्शन है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूमेरिक्स में बदलना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स ऐसे नहीं हो। मैं क्या कर सकता हूँ, जब कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाती है इनसे तो ये अपने आप ही बदल देता है, रेंज किस चीज की है ये तो बताएगा नहीं, पर जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देंगे तो अपने असली उसमें आ जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाइड बाय वन कर देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो एक से मल्टीप्लाई होके जीरो ही जाएगा, और वन जो है आगे चल जाएगा, ठीक है जी। तो दो रिकॉर्ड है ये दिखा रहा है, अब एक और मैंने कहा कि अब इसमें बताओ ग्रेटर देन 50 कितने हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं है, जी इवेल्युएट अगर करके देखना चाहे तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ गया, ठीक है जी। पहले मल्टीप्लाइड बाय वन तो था नहीं, तो ये ट्रू फॉल्स में क्या करे, सम ए का फंक्शन तो है नहीं कि टेक्स्ट को भी कर सकता है, तो मल्टीप्लाई कराया था वन से, ये इसको प्रीफिक्स मान लीजिए कि ये लगेगा ही लगेगा, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई हुआ 1010 में रिजल्ट आ गया, उसके बाद अब मैंने एक और कंडीशन ऐड करनी है ग्रेटर देन 50, तो सेम इसी तरह से ही मैंने दूसरी वो करनी पड़ेगी, दूसरी कंडीशन फिट करनी पड़ेगी। इसको मैं पहली कंडीशन को दे देता हूँ ब्रैकेट, फिर क्या कराऊंगा, इसको अगेन मल्टीप्लाई कराऊंगा ऐसी ही एक और कंडीशन से, किससे, सिमिलर रेंज ले ली मैंने, मैंने कहा कि क्या ये ग्रेटर देन 50 है कि नहीं, ठीक है जी। फिर मल्टीप्लाइड बाय वन, इसको भी ब्रैकेट में कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो एक ही रिकॉर्ड है ऐसा। ये समझ आया कि हुआ क्या इसमें, जी क्लियर है ना। जी मान लीजिए मुझे ये भी देखना था कि संदीप और हरीश की ग्रेटर देन 50 रिकॉर्ड कितने हैं, तो देखने हैं अब क्या करेंगे, कोई आइडिया है सर।
मैं क्या करूंगा कि देखिए इस केस में क्या कर सकता हूँ कि मैं जब यहाँ पे जो चेकिंग कर रहा हूँ उसमें 1010 आ रहा है, ठीक है जी। अगर मैं उसमें दूसरी कंडीशन लगा दूं हरीश, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1010 में प्लस कर सकता हूँ। तो जहां जीरो होगा, मान लीजिए हरीश है वहां, संदीप नहीं, तो यहाँ जीरो आएगा। प्लस अगर लगा देता हूँ तो हरीश को एक और कंडीशन लगा देता हूँ मल्टीप्लाई की, नहीं प्लस की, मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो जीरो हो जाएगा, प्लस लगाऊंगा तो जीरो में वन प्लस होके वन हो जाएगा, ठीक है जी। फिर वो इसमें से 1010 में से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन प्लस करके लगा सकता हूँ, इक्वल टू लगे प्लस करके यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ इसी तरह से कि ये इक्वल टू हरीश, ठीक है जी। और हाँ मल्टी इसमें एक से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि लॉजिकल को बदलने के लिए चाहिए चाहिए स्टार वन, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो तीन रिकॉर्ड हैं ग्रेटर देन 50। यहाँ क्लियर है क्या हुआ? दोनों को फाइंड कर रहा हूँ मैं, आपको इसको वैसे भी दिखा देता हूँ कि असल में हो क्या रहा है न्यूमेरिक्स में। तो पहला कंडीशन मान लेते हैं वो संदीप वाली थी जो कि हमने देखी। मैं क्या करता हूँ इसमें ब्रैकेट और इसमें से करा देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय वन करा देते, ठीक है जी। तो जहां जहां है वहां वन आ गया, ठीक है जी, ये आया, ठीक है संदीप जी। और यहाँ इक्वल टू हरीश कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय वन। तो यहां जहां हरीश है वहां वन आएगा। अब मैंने क्या किया था, नेक्स्ट में इन दोनों को प्लस कर दिया था, यानी कि ये प्लस ये, ठीक है जी। तो जहां जहां क्राइटेरिया ट्रू हुए थे वहां वहां वन वन हो गया, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन। और नेक्स्ट क्राइटेरिया जो इसी की तरह ही था कि मैं इसको चेक करा रहा था कि कौन सा ग्रेटर देन 50 है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय वन आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो एग्जैक्ट रिकॉर्ड दिखा देगा, ये मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड आपको रिजल्ट फिल्टर कर देगा। एक जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, या दोनों कंडीशन ट्रू है वही ट्रू आएगा, ठीक है जी। तो लॉजिकल लॉजिकली इनको इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसमें थोड़ा सा और देखते हैं इसका एग्जांपल। मान लीजिए नेम्स है, अब इसमें मुझे निकालना है कि जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा हो वो नाम निकल के आ जाए। जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा हो वो नाम निकल के आ जाए। तो इसके लिए मोस्टली मैं क्या प्रोसीजर फॉलो करूंगा, पहले तो इनकी लेंथ निकालूंगा, लेंथ निकाल ली। और हालांकि आपको एक ही सेल में अगर इन सब की लेंथ निकालनी है तो आप सीधा ये भी यूज कर सकते हैं, सम के अंदर लेंथ का फॉर्मूला और पूरे को इसको लेंथ का अलग अलग फॉर्मूला देगा और सम इसका रिजल्ट दिखा देगा, ठीक। पर हम यहाँ पे दूसरी कर रहे हैं, हमें यहाँ पे निकालना है कि इसमें से मैक्सिमम लेंथ किसकी है। तो मैक्स का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं,
जी, मैक्सिमम लेंथ 7 आ रही है, ठीक है जी, इसको यहाँ पे दे देता हूँ, मैक्सिमम लेंथ 7 आ रही है। अब 7 मुझे कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा नाम था, वो नाम भी निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा कि ये 7 ढूंढे किसमें, इसके अंदर 7 ढूंढे, तो मैच इंडेक्स लगा दूंगा, मैच में भी ये और लुकअप वैल्यू 7 हो जाएगी और यहाँ पे 0 कर दूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए। कंट्रोल, इसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर की जरूरत नहीं, ये मुझे 7 फाइंड करके दे देंगे। मैच मैच मैच, लुकअप वैल्यू पहले होगा, हाँ वो मैंने गलत, मैच में लुकअप वैल्यू पहले होगा, तो ये यहाँ आएगा और जो मैच करेगा वो इसमें करेगा, ठीक है जी, तो इसका नाम निकाल के मैंने इस तरह से देना, ठीक है जी, जो मैक्सिमम नेम वाला आ जाए, मान लीजिए इसी में किसी का बढ़ रहा है नाम, तो ये अपने आप निकाल देगा, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट इसको कैसे कंबाइन करेंगे, मुझे एक ही सेल में रिजल्ट चाहिए इस सब का, ठीक है जी। क्या करेंगे, इंडेक्स का फॉर्मूला पहले लगाया था हमने, सबसे पहले इंडेक्स का फॉर्मूला जो है वो हमें निकाल के देगा इस एरे में से, इसके एरे में से, ठीक है जी, वैल्यू निकाल के देगा। अब यहाँ मैच में क्या था, लुकअप वैल्यू मैक्सिमम लेंथ थी, मैक्सिमम लेंथ थी, तो कैसे निकालेंगे, मैक्स लगा के और अलग हमें यूज नहीं करना, लेंथ लगा के इसमें से ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, यहां दे दिया, तो मैक्स लेंथ जो होगी हमारी लुकअप वैल्यू होगी। अब लुकअप एरे क्या हो जाएगा हमारा, हमें लेंथ के अंदर ही फाइंड करनी है उसको, लेंथ के अंदर ही लेंथ फाइंड करेंगे ना, तो लेंथ के लिए हमने क्या किया, फिर एरे भी हमें लेंथ की तरह ही देना था, तो लेंथ लगा के मैंने इसका एरे दे दिया, देन जीरो है, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, कंट्रोल से एंटर। अब किसी का नाम बड़ा होता है तो इसमें अगर तो दो नाम एक ही लेंथ के होंगे फिर क्या होगा, सबसे पहले वाला उठाएगा, ठीक है, तो इसी तरह इस फॉर्मूले को, एरे फॉर्मूले को आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं फॉर्मूला नॉलेज के ऊपर और एरे कॉन्सेप्ट के ऊपर है। एक और चीज करके देखते हैं इसमें, देखते हैं होता है नहीं होता, यूनिक लिस्ट जनरेट कराना फॉर्मूला से, यूनिक लिस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए टोटली आपका यही फॉर्मूला लगेगा, मतलब एक ही फॉर्मूला बनेगा और उसमें वैसे नहीं किया जा सकता, जैसे एरे का फॉर्मूला और का फॉर्मूला अगर मैं लिखता पूरा तो लिख नहीं सकता था उसको, हाँ और का फॉर्मूला जहां मैंने यूज किया था तो इसको लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक लेंथ बार बार चेक करवा रहा है, मुझे यहाँ 5 बार चेक कराना पड़ता फिर वो सब, तो इसी तरह एक ही फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं,
एक सेकंड दीजिए मुझे, बस फोन आ रहा है। करेंगे हम अपना यूनिक लिस्ट का फॉर्मूला। यूनिक लिस्ट हम यहाँ जनरेट कराएंगे और पहली वैल्यू को मैच कराते रहेंगे एक लिस्ट में। इंडेक्स इसमें से सारी वैल्यू निकालेंगे। लुकअप वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी, अब इसमें मल्टीपल मल्टीपल लुकअप भी करवाएंगे। जीरो इसके बाद वाले को फिक्स कर देन क्राइटेरिया क्राइटेरिया जो है आपको कैसी किताब लगी? तो इसमें जीरो तो इसमें से वैल्यू निकाल के मैच के बाद जीरो क्यों ले रहे हैं आप जी? हाँ जी मैच के बाद हम जीरो क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली लुकअप वैल्यू है मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ इसमें कि इसका एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ये बनता है कि ये जो रेंज है ना इसको मैं ऐसे करूँ कि यहाँ से ये वाली वैल्यू ऊपर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ और इंक्रीजिंग रेंज में कि यहाँ जो वैल्यू आ गई वो यहाँ से होता है यहाँ से उठाए मतलब काउंट इफ अगर यहाँ पे जीरो बैठता है कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लीजिए रेंज आ रही है कुछ ऊपर का मैंने अभी इंक्रीज हर एक की रेंज बढ़ती चली जाएगी पहले ये चेक कराएगा कि कहीं यहाँ तो नहीं है ये फॉल्स कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मतलब मान लीजिए ये कुछ नहीं है ठीक है जी इंक्रीजिंग रेंज ने पहले ये उठाएगा कि अगर यहाँ पे इनको काउंट इफ क्या देगा मुझे एक ऐसी रेंज दे देगा कि अगर ये यहाँ पे नहीं होगा तो जीरो दे देगा इसके आगे। अब मैं क्या कहूंगा पहला जीरो उठाऊंगा दोस्तों पहला जीरो पहला जीरो यानी कि काउंट इफ का पहला जीरो होगा जैसे अगर मैं यहाँ पे आ गया तो काउंट इफ यहाँ पे क्या करेगा एक काउंट कर देगा क्योंकि उसकी रेंज ये हो चुकी है और ये संदीप है इसमें मिल चुका होगा इसे ठीक है पहले नहीं मिला होगा तो पहला जीरो ही रहेगा जैसा ही इसको मिल जाएगा अब ये दूसरा पहला जीरो जो है वो वन में बदल जाएगा क्योंकि उसे एक मिल चुका है ठीक है जी इसी तरह से जब हरीश पे आएगा तो हरीश मतलब यहां से
ये नेक्स्ट जीरो जो होगा हरीश होगा, तो हरीश यहाँ से उठा लेगा। अब यहाँ से हरीश से इसने ये मैच कराया, देन विकास से ये सब मैच कराएगा, तो जहां तक ये कर चुका होगा जैसे संदीप हरीश खेल चुके हैं तो ये वन वन में बदल चुके होंगे, यहाँ जीरो। और इसी तरह से यहाँ पे जब संदीप पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा क्योंकि पहले ही इस लिस्ट में वन आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसीलिए बिल्ड करने में भी टाइम लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या लगता है, सबसे बेटर है मैं इसको किसी लिस्ट में दे दूं और इसको डाटा कर लूं क्योंकि ये रेंज परेशान करेगी नहीं। पहला कॉन्सेप्ट है इंडेक्स का, या फिर मैं इसको अलग ही लगा लूं, इसको बाद में कंबाइंड कर दूंगा। इफ रेंज जो होगी वो इंक्रीजिंग होगी यहां से, तो यहां मैं फिट कर देता हूं, इसको फिक्स कर देता हूं और ये बढ़ती रहेगी और इस रेंज को फाइंड कराता रहेगा। मैं क्या करता हूं इसको यहां कर देता हूं, रेंज वही रहेगी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, अब जैसे मैंने संदीप डाला यहाँ, तो यहाँ पे ये संदीप आ गया इसके आगे और मुझे क्या उठाना था यहाँ पे, पहला जीरो उठ गया, पहला वाला बस बदलना चाहिए ना, कहीं गड़बड़ कर दिया। हरीश तो हरीश में भी ये इसको मिल गया, विकास एक बार मिल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसे जीरो बार मिला तो नहीं आया, हरीश इसे जीरो बार मिला तो ले गया, ठीक है, विकास इसे जीरो बार मिला तो ले गया, महेश इसे जीरो बार मिलेगा तो ले जाएगा, ठीक है जी। अब संदीप पे आया, अब ये चेक कर रहा है कि जीरो है क्या, नहीं है तो नहीं लेगा, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, विकास कुमार यादव, वो भी बदल गया, ठीक है जी। जो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे तुरंत एक से बदलती चली जाएंगी जो इस लिस्ट में यूज होती रहेगी। अब मैं क्या करूंगा, फंस रहा है मेरा, फर्स्ट जीरो सेकंड जीरो थर्ड, यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे अगर मुझे लगाना हो तो इंडेक्स जीरो, डेटा
इफ ये ले दिया मैंने और इसको ब्लॉक कर दिया पहली वाली को और इसमें डाल दिया डेटा अच्छा हाँ मैच जीरो ये तो यहाँ आएगा ही ये लग जाएगा इंडेक्स में इंडेक्स डेटा प्लस काउंटिंग से जीरो आएगा इसमें और इसको बंद करना है जीरो 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 अरे जीरो मैच में जीरो इंडेक्स क्लोज कंट्रोल एंटर आप कर लेते हैं ठीक है जी अब इवैल्यूएट करके देखते हैं कि हुआ क्या इसमें तो सबसे पहले इंडेक्स ने यहां पे चला गया काउंट टिप खुला पहले ठीक है जी डेटा डेटा इवैल्यूएट 0101 में हो गया आपस में ही अब मैंने इसमें ये लिया था कि जो एक से ज्यादा हो काउंट इफ में ठीक है जी आपस में ही इनको इस लिस्ट को आपस में ही कोलैप्स करवा के डुप्लीकेट का जान लिया काउंट इफ के जरिए ठीक है जी जीरो जीरो हो गया फिर यहां पे काउंट इफ का रिजल्ट आया इंडेक्स में 101010 ये सारा हो गया मैंने पूरा पूरा लेके काउंट इफ करा लिया क्योंकि हम देख रहे थे कि यहाँ पे 00 है ना तो इस लिस्ट में पहले ही वन आ जाए मेरे को पता पड़ता रहे ठीक है जी चलती हुई लिस्ट में क्योंकि ये लिस्ट जो है हर बार जनरेट होगी पहली वाली वैल्यू के लिए अलग जनरेट होगी और जैसे ये जनरेट हो गई फिर दूसरी वाली के लिए यहाँ पे दूसरी रेंज आ जाती है ना तो उसके लिए फिर से अलग जनरेट होगी तो इस तरह से चला इसमें 1010 का प्रोसीजर इंडेक्स ने जीरो फाइंड किया कि पहला जीरो कहाँ है फोर कहीं गड़बड़ कर दी मैंने फिर से क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें वो वैल्यू दिखा रहा है जो डुप्लीकेट है